देखो बेटा, आज का टॉपिक आपका अर्थ एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अर्थ एटमॉस्फेयर क्या होता है, 9th 10th में 10th क्लास में पढ़ते हैं बेटा कि गैस का गुब्बारा जो पृथ्वी को ढके हुए होता है, एक कंबल की तरह होता है जो किसको प्रोटेक्ट करे बेटा, अर्थ को। मींस अर्थ के चारों तरफ क्या बेटा, एक गैस का गुब्बारा है, एनवलप है एक। ओके, तो पहले तो सबसे पहले क्योंकि टॉपिक तो था बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि सभी के ऊपर प्रेशर उतना ही है बेटा, एंड दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन यह शब्द आता है एटमॉस्फेयर, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि अर्थ एटमॉस्फेयर क्या है। अर्थ एटमॉस्फेयर क्या बेटा, कि क्या है ये अर्थ एटमॉस्फेयर बेटा, इसकी स्टेटमेंट यदि हम लिखना चाहे अर्थ एटमॉस्फेयर की तो क्या लिख सकते हैं बेटा, द गैसियस, क्या बेटा ये क्या बेटा ये द गैसियस एनवलप, द गैसियस एनवलप, ठीक है, जो किसको ढक रहा है, सराउंडिंग द अर्थ, सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड, क्या बोलोगे बेटा उसको, दैट इज कॉल्ड अर्थ एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड अर्थ एटमॉस्फेयर, ये अर्थ एटमॉस्फेयर होगा बेटा, क्लियर है बेटा, दैट इज कॉल्ड अर्थ एटमॉस्फेयर। और अर्थ एटमॉस्फेयर है तो बेटा याद रखना है, अर्थ एटमॉस्फेयर में लेयर होती है, चार लेयर होती है। मैंने एक रूल बना रखे, ट्रिक बना रखी है, टसमी, कितनी लेयर होती है, इट हैज फोर लेयर, इट हैज फोर लेयर्स। वो कैसी ट्रिक, क्या बेटा ट्रिक है, टसमी, ये बस ट्रिक, टसमी, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर और आइनोस्फियर। पहली कौन सी है, ट्रोपोस्फियर, 0 से 12 किलोमीटर, पृथ्वी के सरफेस से 12 किलोमीटर, और फिर स्ट्रेटोस्फियर 12 से 50, 50 से 80, 80 से 400। बेटा पहली जो है अर्थ के सरफेस तक कितनी है, 0 to 12 किलोमीटर। दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फियर कितना, 12 से 50 किलोमीटर बेटा, और मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर बेटा 50 से कितना बेटा, 80 किलोमीटर बेटे। और आइनोस्फीयर, ये जो आइनोस्फीयर है बेटा ये है आपकी 80 से 400, कितना बेटा, 80 से 400 किलोमीटर। याद रहेगा टसमी, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर सभी को पता है कि इसमें क्या होता है बेटे, आयंस, मीन्स क्या होता है कि जो हम बात करते हैं कोई भी, वो कहां से रिफ्लेक्ट होकर वापिस आती है, आइनोस्फीयर से टकरा के वापिस आती है। और कई ऐसे हैं जैसे ब्रॉडकास्टिंग होती है जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, वे उस लेयर में तो पार हो जाती है आइनोस्फीयर में से, और गुना कौन रिफ्लेक्ट करा बेटा, जो हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, कौन से कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा जब ब्रॉडकास्टिंग चलती है एक चैनल पर, तो मैच आगे चल रहा है, एक मम्मू सूर्य आई रखती है, एक पर स्टार्टिंग हो रही है, इसका मतलब क्या हो, जो ब्रॉडकास्टिंग है बेटा कि वेव जो जा रही है हाई फ्रीक्वेंसी की वेव है, वो किसने पार कर देती है, आइनोस्फीयर को पार कर देती है। और जब उन्हें पार करेंगे ना, रिफ्लेक्ट कौन करेगा, जो हमारे अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जायरो क्या बेटा, सिंक्रोनाइज सैटेलाइट, जायरोसिंक्रोनाइज सैटेलाइट, की अर्थ की स्पीड के साथ घूम रहे हैं। अर्थ की स्पीड कितनी बता रखी मैंने, 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड, तो वो भी उतनी स्पीड से घूम रहे हैं। तो ये था बेटा आपका अर्थ एटमॉस्फेयर क्या होता है, अर्थ एटमॉस्फेयर की चार लेयर होती हैं। अब बात आती है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिंपल सा है, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द, किसके द्वारा, अर्थ एटमॉस्फेयर। तो क्या लिखोगे स्टेटमेंट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, क्या आएगा बेटा, क्या लिखोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो डेफिनेशन क्या बनेगा बेटा यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, क्या लिखेंगे, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द
Yes, by the yes, earth atmosphere, by the earth atmosphere is called that is atmospheric pressure, that is called atmospheric प्रेशर. ठीक है बेटा, ये एटीएम मीन एटमोस्फेरिक प्रेशर. क्लियर हो गया बेटा? मेरे पर भी वही है, सब बच्चों पे तो आप सभी पे वही प्रेशर है. एवरीथिंग जो अर्थ के सरफेस पे, सब पे कितना प्रेशर है? अर्थ के सरफेस पे कोई भी वस्तु है बेटा, कितना प्रेशर है? एटमोस्फेरिक प्रेशर है. क्लियर हो गया? अब ये बात जो है बेटा याद रखना, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होता है बेटा? हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10^5 पास्कल. क्या होती है बेटा? 10^5 पास्कल. ये स्टैंडर्ड यूनिट है प्रेशर की, जो स्टैंडर्ड यूनिट है बेटा दैट इज द पास्कल. ओके, ऐसा यूनिट क्या बेटा? पास्कल है. अदरवाइज एक और बताई थी मैंने, वो क्या थी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो अब यहां पर बेटा जो हम बहुत सारी यूनिट यूज करते हैं, वेरियस यूनिट फॉर मेजरिंग द प्रेशर, प्रेशर को मापने के लिए जो जो यूनिट यूज करते हैं, देखिए वेरियस यूनिट यूज्ड फॉर किसको मापने के लिए भाई? फॉर मेजरिंग द प्रेशर. भाई प्रेशर कौन सा बेटा? एटमोस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए. देखे होगा अब अगर वो हमें टायर में कहीं में भी साधन में अगर वो आते हैं, आप कहते हो भाई हवा माप कितनी है, मीटर लगाता है ना वो, है ना, गोज प्रेशर, वो चेक करता है कि कितना प्रेशर है, उसे बता देता भाई इतनी हवा इसके अंदर. समझ गया मेरी बात बेटा? तो याद रखना बेटा, ये जो वेरियस यूनिट हम यूज करेंगे, तो सबसे पहला बेटा हम यूज करेंगे नंबर एक की, जो आपने यूनिट यूज कर रखी है एसआई यूनिट, कौन सी बेटा? एसआई यूनिट. क्या बेटा? एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर. एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है बेटे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्या होती है बेटा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, यदि कोई आपसे सीजीएस पूछ ले बेटा, सीजीएस पूछ ले, सीजीएस न्यूटन की जगह है डाइन, और मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगी सीजीएस. अब जो सेकंड है बेटा वो है आपका, सेकंड यूनिट जो है बेटा वो है एमएम ऑफ एचजी कोलम. क्या बेटा? एमएम ऑफ एचजी मीन मर्करी एंड दैट इज द कोलम. देखिए होगा पारा, जब तूफान आता है जो अपने यहां पर टंगा रहता है, एक थर्मोमीटर होता है बेटा, एक आपका बैरोमीटर. क्या होता है वो? बैरोमीटर. क्योंकि बेटा प्रेशर को मापने के लिए जो डिवाइस है वो क्या होता है बेटा? बैरोमीटर होता है. नो थर्मोमीटर, बैरोमीटर. जब बैरोमीटर में हम क्या मेजर करते हैं बेटा? कि डाउन चल जाता है. क्या जाता है? डाउन. तो यहां पर यह कहता है एमएम ऑफ एचजी कोलम मर्करी में. एमएम मीन हाइट, कितनी हाइट तक मरकरी है बेटा, यदि सही ओ, कितनी नॉर्मल कितनी है, यदि इतना प्रेशर है तो कितनी हाइट पाओगी? 760 mm. कितनी पाओगी? 760 mm पाएगी. यदि उस तरह नीचे पड़ गया ना पारा, इसका मतलब है कि तूफान आने वाला है, यह तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है. ओके, तो अगली जो यूनिट है बेटा वो है टोर. क्या बेटा? टोर. क्या बेटे? टोर, TOOR. टोर क्यों बेटा? क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट है टॉर्सिल. क्या बेटा? टॉर्सिल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम यूज करते हैं टू मेजर द प्रेशर. तो ये जो है टॉर्सिल, यहां वन टोर, जो ये वन टोर होता है, देखिए वन टोर इज इक्वल टू आपका, इक्वल है बेटा 1 mm ऑफ एच जी कोलम. किसके बराबर है? 1 mm ऑफ एच जी मीन मरकरी कोलम. क्लियर बेटा? या जगह टोर. उसके बाद है बेटा ये जो इक्वल होता है वन टोर किसके बराबर होता है बेटा? ध्यान रखिए वन टोर एक और वैल्यू है. वन टोर इक्वल 133.3 एंड दैट इज पास्कल. याद रखना है कि एक टोर कितने पास्कल के बराबर है? 133.3 पास्कल के बराबर है. और बेटा अभी मैंने बताया था कि भाई तूफान आ गया, तो आप किस में चेक करते हो तूफान आने वाला है? बैरोमीटर. तो इसलिए जो मेट्रोलॉजिकल यूनिट बनेगी वो कौन बनेगी?
बैरोमीटर मीन बार बी ए आर। जो नेक्स्ट यूनिट है बेटा इसकी वो है आपकी दैट इज फोर्थ यूनिट जो बेटा देखिए क्या बेटा बार क्या बेटा बार बार कहां से लिया बेटा शब्द बैरोमीटर से कहां से लिया बेटा बैरोमीटर से लिया और वन बार जो है बेटा वन बार इज इक्वल टू 10^5 पास्कल वन बार इज इक्वल टू 10^5 पास्कल इसका मतलब है 1 ATM किसके बराबर था आपका बताना 1 ATM था 1.013 इंटू 10^5 पास्कल और 10^5 पास्कल का क्या आ गया वैल्यू बार तो क्या बन जाएगा 1 ATM इज इक्वल टू किसके बराबर 1.013 एंड दैट इज क्या बनेगा बेटा हा आ जाएगा भाई एक ATM इतने बार के इक्वल है 1.013। ओके बेटा कर लोगे ये थे बेटा प्रश्न लेकिन आज ये मैं आपको प्रूफ कराऊंगा बेटा कि भाई हम प्रूफ है बेटा ये प्रूफ है इंपॉर्टेंट है बेटा ध्यान रखना है कि जो 1 ATM हम लेते हैं 1 atmosphere प्रेशर हम जो लेते हैं बेटा वो किसके बराबर लेते हैं 1.013 10^5 पास्कल इसके बराबर लेते हैं भाई आया कैसे पता होना चाहिए भाई आया कैसे है बेटा याद रखना है ये सभी हम कर चुके हैं ये रहा क्या आएगा 1 mm ऑफ Hg कॉलम अरे लेकिन बेटा 1 atmosphere प्रेशर अब आ रहा जो एक और यूनिट में यहां बन जाएगी बेटा एक और पांच यूनिट बन जाएगी कि 1 ATM जो बनेगा आपका वो जो बनेगा 1 ATM जो हम लेंगे बेटा क्योंकि ये ATM मेरी ये पास्कल क्योंकि पास्कल क्या बेटा इसकी SI यूनिट है ठीक है तो यहां आपने जो लेना बेटा ये 1 ATM 760 mm ऑफ Hg कॉलम ऑफ Hg कॉलम एक और बाजेगा बेटा आपका क्लियर हो गया यहां से आएगा 1 ATM किसके बराबर है 760 mm हाइट कितनी होगी इसमें पारा जो थर्म बैरोमीटर है उसमें हाइट कितनी पाएगी 760 तो बेटा प्रूफ के लिए हाइट कितनी होगी बेटा पारे की हाइट कितनी है 760 mm में चेंज कर दो 10^-3 meter आ गया हाइट जी की वैल्यू सभी ने पता के सरफेस पर 9.8 और क्या आएगा बेटा ये क्या होता है बेटा जी क्या था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और क्या बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया बेटा जी की वैल्यू डेंसिटी कौन यूज कर रखा हमने मरकरी की जो डेंसिटी है बेटा Hg की जो डेंसिटी है मरकरी की वो है 13.6 × 10³ kg/m³ आ गया सारा यूज कर दो प्रेशर का फार्मूला तुम्हें पता है भाई प्रेशर वी नो दैट क्या होता है बेटे वी नो दैट प्रेशर क्या होता है बेटा पी बराबर है रो जी एच चलो बेटा एटमोस्ट प्रेशर आ गया आपका रो की वैल्यू कितनी है बेटा 13.6 10^3 जी की वैल्यू 9.8 इंटू अरे इंटू एच की वैल्यू 760 इंटू 10^-3 10^-3 तो कट गया बेटा क्योंकि -3 + 3 जीरो बन गया ईब क्या आया प्रेशर आ गया बेटा आपका 13.6 इंटू 9.8 इंटू 760 जब आप इसको गुणा करोगे तो बेटा आपके पास जो वैल्यू आएगी कैलकुलेशन करके देखना बेटा ये जो वैल्यू आएगी आपकी ये आएगी 01295.6 ये आएगा ठीक है बेटा ये आएगा कर दो भाई इस छह ने पॉइंट है पांच का बढ़ा है यहां बढ़ा दो कितना बन गया ये 1 0 1 2 9 6 आ गया यहां पॉइंट लगाना तुमने तो क्या डिजिट लगाओगे 1 2 3 4 5 क्या लगानी पड़ेगी 5 तो यह जो चीज है बेटा ये आपके किसके बराबर आएगी प्रेशर बराबर किसके बराबर है 1 पॉइंट लग गया 1 2 3 4 5 तो बेटा 1.01 इन्हें क्या बना दे 3
बेटा नो है तो तीन कर दिए यहाँ 1.013 इंटू 10 की पावर क्या जीरो पांच यू आ गया एंड दैट इज इक्वल टू पास कर। ये आपका प्रूफ है बेटा, ये प्रूफ है। ये बुक में नहीं है कि भाई 1 ATM किसके बराबर है। 1 ATM हम करते हैं किसके बराबर है 1.013 10 की पावर 5 पास्कल है, लेकिन आया कहां से, कहां से है बेटा, क्योंकि किससे आता है 1 ATM 760 mm ऑफ Hg कॉलम की, जो बैरोमीटर में पारा टंग रहा है, पारा है, पारा कितने एट तक रहेगा 760 mm तक, यदि उससे नीचे आ गया तो समझ लो क्या आएगा तूफान। समझ गए बेटा, क्लियर है, कर लो रे, ये आपके टॉपिक के हो जाएंगे।